समय मैं कैसे जनता फ्लैट मैडम मैं खड़ा हूँ सरकार के द्वारा यहाँ पर जो है मेगा पीटीएम का आयोजन किया गया और वो हर बार किया जाता है, बड़ा अच्छा लगता है। इससे हम यहाँ कुछ टीचर साथियों से बात करते हैं, क्या लगता है, क्या अरे एक आदमी और बोल दिया हमने। सर मैं पूछना चाहूँगा आप लोगों से कि ये जो मेगा पीटीएम चल रहा है तो आप लोगों को कैसा लगता है और क्या इसका मतलब जो है ना पब्लिक को, बच्चों को व टीचरों को क्या बेनिफिट है इससे? देखिए मेगा पीटीएम पहले जो थी वो प्राइवेट स्कूलों में होती थी, सरकारी स्कूलों में कभी किसी ने नाम भी नहीं सुना था। जिस दिन से ये पीटीएम सरकारी स्कूलों में होने लग गई है उस दिन से जो पेरेंट्स हैं वो ये जानने लग गए हैं कि हमारा सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में कोई अंतर नहीं है और ज्यादातर जो लोगों का रुझान है वो सरकारी स्कूलों में हो गया। सर हमने सुना है, कल ये सुना था कि विपक्ष पर जाके कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन किया है कि मेगा पीटीएम स्कूलों में नहीं होनी चाहिए और बता रहे हैं कि मेगा पीटीएम से जैसे टीचरों को नुकसान पहुंचाते हैं और पेरेंट्स का पता चल रहा है कि सर्दी के कारण उनको कि बीमार हो जाएंगे, ये हो जाएगा, तो इसका क्या मानना है कि मेगा पीटीएम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर ये बहुत गंदी सोच है जी। मेगा पीटीएम जहाँ पीटीएम को रुकवाना, पीटीएम टीचरों ने बुलाई है तो बच्चों के बारे में पेरेंट्स को बताना, इस विषय में उन्होंने बुलाई, ये बहुत गंदी सोच है। ये ऐसी हरकत जो उन्होंने करी है बहुत ठीक नहीं कही। सर मैं पूछना चाहूंगा कि ये जो मेगा पीटीएम हो रही है तो ये जो दिल्ली सरकार ने चालू की, क्या इससे पहले किसी और सरकार ने चालू किया है या नहीं? किसी भी सरकार ने चालू किया है। मेगा पीटीएम एक बहुत अच्छा स्टेप है सरकार द्वारा, जिससे कि जो बच्चे, टीचर और पेरेंट्स बीच का जो कम्युनिकेशन गैप था वो इस मेगा पीटीएम द्वारा कम हुआ है। बच्चों के अंदर क्या कमजोरियां हैं, बच्चों के अंदर क्या अच्छाइयां हैं, ये जो है टीचरों के द्वारा पेरेंट्स को बताया जाता है, जिसका जो है बहुत ही अच्छा लाभ पेरेंट्स को। आप लोगों को क्या लगता है कि बच्चों की जो दूरियां थी पहले और जैसे आप सोचा भी नहीं जाता था कि सरकारी स्कूलों में बच्चों के पेरेंट्स टीचरों के साथ तालमेल होगा, अब कैसा महसूस होता है? अच्छा लगता है बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी, थोड़ा पता चल जाता है हमारे बच्चे का रिजल्ट क्या है तो उसमें थोड़ी सी तैयारी करवाते हैं और बच्चों को तो ये अच्छा है। ये जो है ना जैसे प्राइवेट स्कूलों में जाते थे पीटीएम सुना था कभी और दिल्ली में कभी सरकारी स्कूलों में नहीं सुना था, तो आप लोग कैसा लग रहा है? हमें अच्छा लग रहा है। तो ये मेगा पीटीएम या पीटीएम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कुछ लोग बोलते हैं कि पीटीएम नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत जरूरी चीज है, ये तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, ये पता चलता है पेरेंट्स को क्या है क्या है, बच्चों को बताते हैं आपके बच्चे ऐसे पढ़ रहे हैं, ये टीचर्स और पेरेंट्स की जो है ना करीबियां बनती है और बच्चों के बारे में बताते हैं, अच्छा लगता है, मतलब हम खुद वेरी तो इस सरकार से आप कितना खुश हैं? हम बहुत खुश। सरकार अब दोबारा किसकी होनी चाहिए दिल्ली के अंदर? मतलब इस समय जो सरकार चल रही है केजरीवाल सरकार चल रही है तो क्या दोबारा केजरीवाल सरकार आनी चाहिए? अच्छा कैसा लग रहा है आप लोग को? बहुत अच्छा लग रहा है और आना चाहिए। सर हम पूछना चाह रहे हैं मैम, ये जो मेगा पीटीएम चल रहा है दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में, तो यहाँ हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कैसा क्या महसूस होता है, क्या लग रहा है पेरेंट्सों का और टीचरों के बीच? सर इसमें ऐसा है कि जो सारे टीचर्स हमें अकेले अकेले मिल पा रहे हैं, सारे बच्चों का फीडबैक हमें आराम से शांति से हम बच्चों के बारे में सुन पा रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है, सब्जेक्ट के बच्चों के बारे में बता रहे हैं, कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, मुझे तो अच्छा लगा। मेरा रेगुलर ऑर्गेनाइज होना मैम आपका सुनना आपका तो मैम ये हमें बताइए, पहले सुना था कि केवल प्राइवेट स्कूलों में ही होता था, तो ये सरकारी स्कूल में जो चल रहा है तो कितना अच्छा लगता है? सर ये बच्चों के लिए एक प्रोत्साहन वाली बात है, बच्चों को भी पता चलता है कि हम भी आएंगे, हमारे घर से भी कोई आ रहा है, थोड़ा अटैचमेंट हो जाता है गार्जियन का और टीचर का एक तरह से। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सागर जी। मेगा पीटीएम से ये होता है कि जो हमारे अभिभावक हैं वो भी जागरूक हुए हैं, जागरूक नहीं थे,
उनको पता ही लग पता था कि हमारे बच्चे के बारे में क्या स्कूल में हो रहा है। और अब जो वो आते हैं, सभी अध्यापकों से मिलते हैं, टीचर से मिलते हैं, सब्जेक्ट टीचर से मिलते हैं, तो उनको उनके बारे में पता चलता है और क्या क्या चीज़ें उनको आगे क्या क्या मार्गदर्शन होना है उसके बारे में भी बहुत सारी यहाँ जानकारी मिल जाती है और बहुत अच्छा चल रहा है। और मैं चाहता हूँ कि मेगा पीटीएम सर, आप टीचर हैं तो आपको कैसा महसूस होता है कि इस मेगा पीटीएम से आपके और बच्चों व पेरेंट्सों के बीच में कितना अच्छा लगता है? हमें इतना अच्छा लगता है क्योंकि हमारे और अभिभावकों के बीच में जो दूरियां थी तो वो बहुत अब नज़दीक हैं, क्योंकि कुछ तो अभिभावक मिलकर करते हैं और कुछ शिक्षक मिलकर करते हैं, तो सारी जो कमियां हैं वो सब यहां आके दूर हो जाती हैं और बच्चे को एक अचीवमेंट मिलता है शिक्षकों द्वारा और अभिभावकों द्वारा दोनों के। सर आप बताएंगे, आप सर इस विद्यालय के प्रधानाचार्य जी हैं, सर आप बताएंगे आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपका, सभी पेरेंट्स का और हमारे असेंबली सदस्यों का राज्य के वरिष्ठ निर्वाचन विद्यालय में स्वागत है और यहाँ पर हमने उनके लिए स्वागत के लिए तैयारी कर रखी है और अब वो टीचर्स से बच्चों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, बच्चों की जो फीडबैक है उसके बारे में जानकारी कर रहे हैं और इसके अलावा अटेंडेंस जो उपस्थिति के बारे में सरकार ने निर्देश दे रखे हैं उनके बारे में भी उन्हें पता लग रहा है कि बच्चा हमारा की अटेंडेंस कितनी है और उनके प्रोग्रेस में जो कमी है उनको गार्जियंस को और बच्चों को बताया जा रहा है। सर आप बताना चाहेंगे? इन सर ये सर है कोऑर्डिनेटर है एनआईयूएस के डॉक्टर हेमराज सिंह, सर आप बताएंगे? ये एक बहुत अच्छा चाय पी ली चाय को सरकार को जारी करना चाहिए। इससे सबसे बड़ा लाभ ये है कि एक पक्षीय जो अब तक कार्य हो रहे थे और दोनों पक्ष जुड़ गए, क्योंकि आप जानते हैं कि गाड़ी के अभिभावक और विद्यार्थी और शिक्षक जब तक सब दुरुस्त ना हो तब तक प्रोग्रेस संभव नहीं है। और एक ये इतना अच्छा कॉन्सेप्ट रखा है सरकार ने कि हम अपनी कमियों को एनालिसिस कर सकें, बच्चों की कमियों का एनालिसिस कर सकें और गार्जियंस को ये पता लगे कि हमारा बच्चा विद्यालय नियमित रूप से जा रहा है या नहीं जा रहा है, उसमें सुधार की आवश्यकता है। जब संवाद होगा तो निश्चित रूप से प्रोग्रेस भी होगी। तो सर जरूरी नहीं कि जैसे कि सरकार ने ये रखा मेगा पीटीएम, क्या स्कूल प्रशासन भी अपनी तरफ से रख सकता है पीटीएम? तो कभी भी नहीं, पीटीएम तो पहले भी होते थे लेकिन मास स्केल पर इस सरकार ने शुरू की। पीटीएम पहले भी होते थे, मंथली होते थे, अब इसका वाइड रूप जो दिया है वो वर्तमान सरकार ने दिया है और हम आभारी हैं कि हमें एक मौका मिला अपने गार्जियन से इंटरेक्शन करने का, बच्चों की प्रोग्रेस को बताने का, उनकी समस्याओं को जानने का, क्योंकि टीचिंग केवल टीचिंग नहीं है, हमें उनकी घरेलू स्थितियों को भी जानना चाहिए और जो उनकी घरेलू समस्याएं हैं उनके निराकरण में हम जब दोनों मिलकर साथ कार्य करेंगे, अभिभावक भी और शिक्षक भी, तो बच्चे आगे निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, उनके कैरियर में और चार चांद लगेंगे। धन्यवाद सर। सर ये उपप्रधानाचार्य जी हैं, सर आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं भी सभी अभिभावकों और हमारे सम्मानित साथियों द्वारा, जो सरकार द्वारा ये पीटीएम रखी गई है मेगा पीटीएम, इसमें सभी अभिभावकों का स्वागत है, हमारे एसएमसी मेंबर्स का स्वागत है और इससे जो हमारी दूरियां थी पेरेंट्स की और हमारी वो कम हुई हैं। अब बच्चे के बारे में हम उनको, पेरेंट्स को ये बताते हैं कि आपका बच्चा कहाँ तक प्रोग्रेस कर रहा है, कहाँ तक वो कमज़ोर है, तो उन कमजोरियों को दूर करने के लिए हम, सरकार ने ये जो है हमें मिलने का बहुत अच्छा मौका दिया है और मैं सभी पेरेंट्स का धन्यवाद अदा करता हूं कि हमारे विद्यालय में वो आए और अपने बच्चों का फीडबैक लिया। धन्यवाद सर। इस विद्यालय की स्टाफ सेक्रेटरी साहब है और हम इनसे भी एक आशा करते हैं कि ये भी कुछ बताएं अपने विद्यालय के बारे में और मेगा पीटीएम के बारे में। धन्यवाद सागर साहब। मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल विद्यालय जनता फ्लैट में स्टाफ सेक्रेटरी हूँ, आपका प्रतिनिधित्व करता हूँ। जहाँ तक वो सरकार की बात है, सरकार का ये बहुत अच्छा कदम है बच्चों के लिए भी और एज ए टीचर्स भी, क्योंकि हम बच्चों के जो भी कमजोरियां हैं, जो भी प्रॉब्लम हमें होती है, हम गार्जियन के साथ शेयर कर लेते हैं और गार्जियन भी हमारी हेल्प करते हैं, तो हमारी बहुत सारी जो प्रॉब्लम है अपने आप ही मेगा पीटीएम से सोल्व हो जाती है। ये सरकार का बहुत ही सराहनीय प्रयास है। धन्यवाद सागर जी। अभिभावक हैं हमारे
ये एक अभिभावक है, हम इनसे भी पूछना चाहते हैं कि अपने बच्चे के बारे में और स्कूल के बारे में और सरकार के बारे में कुछ बताएं। मेगा पीटीएम के बारे में चाय लिया आपने? यहाँ सुनो, इधर आओ आप। बस मैं यही चाहती हूँ कि जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है हम लोग के भी, बच्चों के भी। और बस ये सब पहले नहीं था, ये अगर पहले होता तो ये इतना आगे नहीं बढ़ता। बहुत ही अच्छे हैं हम लोग। तो इस समय दिल्ली में सरकार किसकी बननी चाहिए? जैसे इस समय सरकार केजरीवाल सरकार है, अरविंद केजरीवाल, तो इस समय सरकार किसकी बननी चाहिए? थैंक यू, धन्यवाद। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।